बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नेटवर्किंग में लड़कियां उतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना कि लड़के कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लड़कियां उतनी कामयाब नहीं हैं जितने कि लड़के हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं, ऐसा मानना लड़कियों का ज्यादा है कि वो कामयाब नहीं हो सकती, वो काबिल नहीं है, रादर देन बॉयज, राइट। बहुत सारी लड़कियां ही ऐसा सोचती हैं। ये बहुत ऑब्वियस है कि यस, डेफिनेटली लड़कियों की लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं इन कंपैरिजन टू मेन, अगर हम बात नेटवर्किंग की कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाह ले तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं और इस बिजनेस में रॉक कर सकती हैं, ऐसा कुछ लड़कियां कर रही हैं। तो ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही है नेटवर्किंग में, कि वो बहुत बढ़िया कर सकती है लेकिन नहीं कर पा रही है। यस, आज मैं पूर्णिमा सिंह, राइट, 5 ईयर से नेटवर्किंग बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से आज लाख की इनकम है, लाखों का नेटवर्क है और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रही हूँ। आपको बताऊंगी ऐसी 5 टेक्निक्स, या फिर कह सकते हो आप 5 रीजंस जिसकी वजह से गर्ल्स बिजनेस में आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत फेस कर रही है और जिसको वो सही कर लें तो इस बिजनेस में रॉक कर सकती हैं, नेटवर्किंग में रॉक कर सकती हैं। तो मेरी फर्स्ट रीजन, मेंटल ब्लॉकेज, राइट। मैंने देखा है कि बहुत सारी गर्ल्स ये सोचती ही हैं कि नेटवर्किंग सही बिजनेस नहीं है, या नेटवर्किंग उनके लिए नहीं सही है, वो इसके काबिल नहीं है, वो इतना अच्छा नेटवर्क नहीं बना सकती हैं, वो लीड जनरेट नहीं कर सकती हैं, वो लोगों से बात नहीं कर पाएंगी, लोग उनकी सुनेंगे नहीं। ये पहले ही इतनी सारी लिमिट्स उन्होंने ही अपने लिए बना के रखी हुई है, उन्होंने ऐसी धारणा बना के रखी हुई है कि मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जितना अच्छे से लड़के इस बिजनेस में ग्रो करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले तो अपने माइंड से ये मेंटल ब्लॉकेज को खत्म करना पड़ेगा। आज लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, कोई भी फील्ड आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे पॉलिटिक्स में वो आगे बढ़ रही हैं, आप देख सकते हो कैसे वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही हैं, कैसे वो मेडिकल लाइंस में आगे बढ़ रही हैं, कैसे वो एक अच्छी मार्केटर साबित हो रही हैं, कैसे वो एक अच्छी सेल्समैन साबित हो रही हैं। हर फील्ड में वो आगे ग्रो कर रही हैं, तो क्यों इस फील्ड में नहीं? डेफिनेटली इस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर नेटवर्किंग में रिक्वायर्ड है एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर का, तो आप क्यों एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकती? अगर नेटवर्किंग में रिक्वायर्ड एक अच्छे मार्केटर का, तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकती? अगर मार्केटिंग में रिक्वायर्ड है एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने का, तो क्या आप अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना नहीं सीख सकती, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकती, अपने आप को थोड़ा सा नई चीजें सीखने के ऊपर काम नहीं कर सकती? डेफिनेटली आप काम कर सकते हो और इससे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे और इससे सीख के आगे बढ़ेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनल थिंकिंग। यस, हम वुमेन्स हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लोगों से रिलेशन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। मैंने देखा भी है, आप देखोगे, नोटिस करोगे, आपके घर में वुमेन्स जितनी भी हैं वो लोगों से व्यवहार बनाने में, लोगों से बातचीत करने में, आपकी मदर, आपकी दादी, आपकी सिस्टर कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों से व्यवहार बना लेती हैं, बात कर लेती हैं, एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम वुमेन्स रिलेशन बॉन्डिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ये हमारी स्ट्रेंथ बनने की जगह हमारी वीकनेस बन जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के ऊपर। मैं कहूँगी कि आपके जितने भी रिलेशंस हैं, लाइक आपके फैमिली रिलेशंस हो गए, फ्रेंडशिप रिलेशंस हो गए, हम इसमें इतना ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि फेवर मांगने में, हेल्प मांगने में, इनवाइट करने में, उनको ऐसा लगता है कि क्या सोचेंगे लोग, किस तरीके से मैं बात करूंगी, इतना हेजिटेशन हम फील करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो कहीं ख़राब ना हो जाए।
आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत नॉर्मल है। आपको उनसे परचेजिंग के लिए अमाउंट लेने में, या फिर आपको स्टार्ट कराने के लिए अमाउंट लेने में, या फिर उनको इनवाइट करने में, उनको अपने अप्लाइंस से मिलाने में, अपने सीनियर से मिलाने में जो हेजिटेशन फील होती है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत नॉर्मल है, ये आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। इसको आपको पहले इस तरीके से लेना होगा कि हमारे आसपास के लोग, अगर उनको एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है, अगर एक अच्छी संगत मिल सकती है, एक अच्छे तरीके सीख सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि अगर वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, अच्छी इनकम करें, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, राइट? लेकिन आपकी हेजिटेशन आपकी ग्रोथ को तो रोक ही रही है, साथ में उनके ग्रोथ को भी रोक रही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब भी आप उनको इनवाइट करें या उनसे कोई फेवर मांगे, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, राइट? अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली आप अपने रिलेशनशिप को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं, रैदर देन आप उसको अपनी वीकनेस बनाएं, राइट? थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट नॉट बीइंग स्ट्रैटेजिक। यस, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो स्ट्रैटेजी बना के काम नहीं करती, उनके गोल्स तो हैं लेकिन उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस बिजनेस में रॉक करना चाहते हो और इसमें बहुत अच्छा काम करना चाहते हो और इसमें आप सच में अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो पहले प्लानिंग करना सीखो, राइट? स्ट्रैटेजी बनाना सीखो कि जो आपको लेवल अचीव करना है, जो आपको गोल अचीव करना है, आपका घर अचीव करना है, आपको गाड़ी अचीव करना है, एनीथिंग, जो भी आपको अचीव करना है, वो जो अचीवमेंट आप चाहते हो उसके लिए मुझे कितना काम करना होगा, मुझे कहाँ पे बात करनी होगी, किन लोगों से बात करनी होगी, वो मुझे कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मैं अपनी बात को शुरू करूंगी। एक प्लानिंग आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी नेटवर्किंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ ऐसे उतर गए कि हाँ ठीक है मुझे ये चाहिए, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, आप बहुत सारे लोगों के साथ में बैठे हो, आप करना चाहते हो, यस हम कर देंगे, यस हम कर देंगे, लेकिन बिना प्लानिंग, राइट? नहीं, बहुत सारे लोग सिर्फ आते हैं और आके बिजनेस में ठीक है मंथ बाय मंथ थोड़ा थोड़ा स्टेप कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ निश्चित नहीं होगी। अगर आप अपनी ग्रोथ को निश्चित करना चाहती हैं, राइट, सच्ची में आप निश्चित करना चाहती हैं, तो प्लानिंग के साथ में काम करें। मैं आपको बताऊं, जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, बात करती हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ मेरे प्लानिंग का हिस्सा होता है, सब कुछ, कि मुझे यहाँ पे बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे इस तरीके से करना है, मुझे इतना बिजनेस इतने मंथ में निकालना है, या फिर मुझे इतने लोगों से मिलना है, ये सब मेरा प्लान्ड होता है उस गोल के लिए जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, राइट? आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से कह सकती हूँ मैं प्लानिंग अपने फैमिली फंक्शन के लिए करती हूँ, जितनी अच्छी प्लानिंग आप अपने जॉब में करते हो, बिजनेस में करते हो, पर्सनल बिजनेस में करते हो, उतनी ही अच्छी प्लानिंग अगर आप यहाँ पे भी करो तो इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट, दैट इज कि नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, राइट? कंसिस्टेंट काम करना, राइट? अगर आप चाहते हो कि नेटवर्किंग आपके लिए काम करे और इसमें आपको सक्सेस मिले, इसमें आपको ग्रोथ मिले, तो कंसिस्टेंट वर्क करना होगा, राइट? आप देखो कि लोग आपके साथ काम करें चाहे ना करें, लेकिन उनको आपको जानने के लिए आपको कंसिस्टेंट देखते रहने की तो जरूरत है। आप कैसे लोगों के साथ में काम कर रहे हो, आपके बात करने के तरीके कितना अच्छा हो रहा है, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, कितना अच्छा कमा रहे हो, किस तरीके से आपके लोग हैं, दोस्त हैं, ये सब जानने की तो उनको जरूरत है। आपका माइंडसेट कैसा बन रहा है, माइंडसेट कितना इम्प्रूव हो रहा है, वो कैसे जानेंगे अगर आप उनके साथ में कंसिस्टेंट बात नहीं कर रहे।
या उनके साथ में नहीं हो या वो आपको कंसिस्टेंट देख नहीं रहे, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप रेगुलर बेसिस पे इवेंट्स का हिस्सा बने, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स का हिस्सा बने, उनसे मिलते रहें, अपने सीनियर से बात करते रहें, ताकि आपके सीनियर को भी पता चले कि यार ये लड़की कुछ लाइफ में करना चाहती है, ये हर बार हर मीटिंग में आती है, हर इवेंट में आती है, ये कुछ ना कुछ सीखती रहती है, हर दिन प्लान करती है, हर दिन मीटिंग करती है। तो आपका जो रेगुलर बेसिस पे वर्क होगा वो हर इंसान को दिखेगा और लोग आपके माइंडसेट को और आपकी सीरियसनेस को पहचानेंगे, आपके गेस्ट भी पहचानेंगे और आपके सीनियर्स भी पहचानेंगे कि यार ये लड़की कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहती है, इसका साथ देना तो बनता है, राइट, इसको आगे बढ़ाना तो बनता है क्योंकि ये सच में सीरियस है, राइट। एंड द मोस्ट फाइनल, यस, फिफ्थ वन, दैट इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स, दैट इज नॉट मेकिंग नेटवर्किंग अ प्रायोरिटी। हम नेटवर्किंग को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत बन जाता है जिससे हम आगे बढ़ नहीं पाते, राइट। मैंने देखा है कि बहुत सारे गर्ल्स के लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती है, कुछ आप कह सकते हो स्टडी, आप कह सकते हो लाइक घर के काम, आप कह सकते हो बच्चों को संभालना, आप कह सकते हो अपने खुद के जॉब को संभालना या फिर कोई बिजनेस, पर्सनल बिजनेस को संभालना, राइट। तो वो क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों में काम कर रहे होते हैं और इन सब चीज़ों में काम करते करते जैसे ही वो काम खत्म होता है उसी में ही नया काम पकड़ लेते हैं, तो वो नेटवर्किंग को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते ही नहीं है। जब नेटवर्किंग को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आप नहीं रखोगे तो आप उसमें आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो, राइट। नेटवर्किंग आपको कितना कुछ दे सकता है, आपको एक अच्छी स्किल्स दे सकते हैं, आपके अच्छे नेटवर्क दे सकता है, आपके जानने वाले लोग बढ़ सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आप अच्छी इनकम कर सकते हो और आप अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको नेम फेम मिल सकता है, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हैं जिससे लोग हमेशा आपको याद रखें और जिससे आपके फैमिली में पैसिव इनकम आए, कुछ भी दिक्कत हो आपके घर में अमाउंट की प्रॉब्लम ना आए, राइट। और अगर इतनी बड़ी चाहे छोटी चीज आपको लग रही है कि बहुत छोटी चीज है ये, अगर सच्ची में आप इसको देख के बिजनेस में आए थे ना, तो ये छोटी चीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन आपकी लाइफ में आएगी आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बना देगी, राइट, आप बहुत अच्छा निकल के आओगे, लेकिन इसके लिए आपको इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना होगा, राइट। प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, कहीं पे भी जाओ, मुझे याद है कि मेरे पास में कॉलेज भी मैं करती थी, कॉलेज के बाद ट्यूशन भी करती थी, ट्यूशन के बाद मैं घर में भी संभालती थी, लेकिन हर जगह पे मुझे ऐसा दिखता था कि मैं कहाँ नेटवर्किंग कर सकती हूँ, कहाँ पे किससे बात कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हूँ, यहाँ पे मैं कैसे बात करूँ, मतलब मेरे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम चलता रहता था कि मैं इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ूंगी। इसी वजह से आज मैं इस बिजनेस में ग्रो कर रही हूँ, राइट, आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड सेट इस चीज को था कि ये अगर मुझे मिल गया तो बाकी चीजें तो बहुत आराम से मिल सकती हैं और इस पे मैंने फोकस करके काम किया। तो ये 5 रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और मुझे पता है कि अगर आपने इनके ऊपर काम कर लिया तो आप लाइफ में ग्रो करोगे और ऐसा ग्रो करोगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे और आपको अपना रोल मॉडल बना लेंगे, इंस्पायर होंगे लोग आपसे, जैसे आज बहुत सारी लेडीज से हो रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल बन सकते हो उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती इस बिजनेस में, उन लोगों के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में आप इतना अच्छा कर सकते हो बीइंग अ गर्ल जितना कहीं कुछ नहीं कर सकते, इस बिजनेस में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। और इसके साथ साथ में मेरा एक मानना है कि सब समझना लेकिन लड़की समझकर कमजोर मत समझना। अगर आपने अपने मेंटली ब्लॉकेज को खत्म नहीं किया तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। मेंटली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यस,
मुझे स्ट्रैटेजी बना के काम करना है, मुझे कंसिस्टेंट काम करना है और मुझे इसको प्रायोरिटी पे रखना है और इसके लिए मुझे अपनी मेंटल ब्लॉकेज को खत्म करना है और अपने अपनी बॉन्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से लोगों की हेल्प करने में लगाना है। जितना ज़्यादा आप लोगों को कामयाब बनाओगे उतना ज़्यादा आप कामयाब बनोगे और यस यही आपको बढ़ाएगा और ग्रो कराएगा। तो विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।